और मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ाती हूँ. तो आज वैसे मेरा एक स्टोरी टेलिंग सेशन है आप लोगों के साथ कि मैंने आपको कुछ कहानी सुनानी है. तो टू स्टार्ट विद, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो तो सबके पास होते हैं मोस्टली. अगर नहीं भी होते तो हमें यूज़ करने आते हैं. आजकल मोबाइल का ट्रेंड है ना, गेम्स भी खेलनी आती हैं, सारा कुछ करना आता है. तो मोबाइल जो है, पता है कि आईफोन किसने बनाया? आईफोन के मालिक का पता है, स्टीव जॉब्स उसका नाम है. तो आईफोन एप्पल कंपनी बहुत मशहूर है, लैपटॉप्स भी होते हैं मोबाइल्स भी होते हैं. तो मोबाइल जो होता है उसका एक मेन जो काम है, उसका जो रोल है वो ये है कि वो हमें कनेक्ट करता है लोगों के साथ. पहले ज़माने में ट्रेंड होता था जी, ख़त लिखना पड़ता था, पता नहीं ख़त जाता था या नहीं जाता था, लेकिन इससे कम्युनिकेशन आसान हो गई है. और उससे फिर इंफॉर्मेशन, अगर इंटरनेट भी हो तो हम बहुत सब कुछ है वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और हमें बाहर की दुनिया का भी पता लगता रहता है. पॉजिटिव भी है उसका, है ना. जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, उसके लिए हमें रिसर्च में भी बहुत हेल्प मिलती है. और उससे ये है कि आप जैसे सोशल नेटवर्किंग है, उससे आप किसी को गाइड भी कर सकते हो, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो. और मैप्स होते हैं, किसी जगह का नहीं पता लग रहा, मैप की हेल्प से आप चलते. मोबाइल का एक बहुत एक वास्ट नेटवर्क है जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. लेकिन इसी मोबाइल को जो है वो अगर आप मिसयूज़ कर लो, उसको जो है उससे आप लड़ाई भी करवा सकते हैं, या उससे जो है वो आप नेगेटिव भी उसका यूज़ कर सकते हैं. कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन मोबाइल पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी देख लेते हो. इसके अलावा इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको सही गलत की समझ नहीं आती. समटाइम्स आप गलत इन्फॉर्मेशन को सही समझ लेते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, मोबाइल जो है वो उसमें कोई वायरस भी आ जाता है, कोई गलत ईमेल आपको मिल जाती है, उससे आपका मोबाइल हैक भी हो जाता है, लोग उसको ख़राब भी कर सकते हैं. तो मिसयूज़ की वजह से जब मोबाइल स्टक होने लग जाता है, या उसमें मेमोरी इतनी ज़्यादा आपने भर ली है कि उसकी वजह से वो उसकी स्टोरेज ही ख़त्म हो गई है, या उसको आपने ओवर चार्ज कर ली है, उससे उसकी बैटरी हीटअप हो गई है और वो फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया. तो जब ऐसे हो जाता है तो वो जो कंपनी होती है उसके पास उसको लेके जाते हैं. जैसे मेरा मोबाइल सैमसंग का है, तो उसमें कुछ भी ख़राबी आएगी मैं उसको सैमसंग वालों के पास लेके जाऊंगी, उनकी जो भी आउटलेट होगी वो इसको कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर देंगे. इसका मतलब ये है कि उसको दोबारा से वो नया कर देंगे, और वो फिर से फर्स्ट डे की तरह, जैसे मेरे पास नया मोबाइल था, उस तरह से फास्ट स्पीड से चलने भी लग जाएगा, फ़ोन कॉल्स भी होने लग जाएंगी, इन्फॉर्मेशन भी सारे उसके काम जो हैं वो ठीक होने लग जाएंगे. इसी तरह अगर एक मोबाइल है, क्या मोबाइल का जो मालिक है स्टीव जॉब्स जो है, जिसका मैं बता रही थी, क्या आईफोन उसको ये कह सकता है कि तुमने मुझे ठीक नहीं बनाया, इसमें ये फंक्शंस डाल दो? क्या आईफोन उसको ये कह सकता है, मोबाइल उसको मालिक को ये कह सकता है? वो तो नहीं कह सकता. या मालिक जो है, मालिक ही चाहे तो वो उसके वर्जन जो है वो नए निकाल सकता है. लेकिन ना तो ऐसा हो सकता है कि मोबाइल इतना एडवांस हो गया है कि वो कहे जी कि अब मैं खुद ही स्टीव जॉब्स बन गया हूँ. वो बन सकता है खुद से स्टीव जॉब? नहीं, वो खुद से मालिक भी नहीं बन सकता. तो इसका मतलब है कि उसको अपने क्रिएटर जो उसका मालिक है उस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि वो वही उसके वर्जन आगे पीछे कर सकता है, वही उसको इम्प्रूव कर सकता है. तो इसलिए इसी तरह मोबाइल्स की तरह ही हमें भी किसी ने बनाया है, हमारा भी कोई क्रिएटर है, और उसने हमारा कोई पर्पज़ ऑफ लाइफ बनाया है, है ना. उसने कोई मकसद से हमें पैदा किया. जैसे मैं जो हूँ, वो मुझे लगता था कि अगर मैं ना होती दुनिया में तो क्या दुनिया चलनी नहीं थी, आखिर मुझे क्यों बनाया, मतलब मेरा होना क्या क्यों इतना ज़रूरी था. तो हम सबका कोई ना कोई मकसद है, उसने हमें बिला मकसद नहीं बनाया. जब तक तो ये जो एक मशीन है या जो हमारा क्रिएटर है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं ना, जो नेचर है. हर शख्स जो है वो प्यार चाहता है, हर शख्स चाहता है कि उसको माफ़ किया जाए, उसको समझा जाए, उसको जो है उसकी केयर की जाए. ये नेचुरल है ना, सारा नेचर के अकॉर्डिंग है. तो जब तक हम इस पे रहते हैं हम ठीक रहते हैं, और जब हम अपने अंदर वायरस ऐड कर लेते हैं या हम मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, हमारे दिमाग में जो है जब नफ़रत, हसद, कीना, बुग्स, बदगुमानी और ये सब नेगेटिव चीज़ें जो है वो हमारे माइंड को हिट करती हैं, जब हम अकल में जाते हैं, अपनी लाइफ में कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं कि मैंने तो ऐसे किया और अगले बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया, या मैं इस तरह से हूँ तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ लॉयल नहीं है, जब हम हिसाब किताब में पढ़ जाते हैं तो हम अपने मैकेनिज्म को ख़राब कर लेते हैं. या समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कंपैरिजन में जाते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने उसको तो ऐसी लाइफ दी है और मुझे ये कुछ नहीं दिया.
तो आप जैसे मैं कह रही थी कि हम क्वेश्चन करते हैं अपने क्रिएटर को, जैसे मोबाइल स्टीव जॉब्स को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तो हम जो है वो क्वेश्चन करते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि इतना एक्सेसिव मिस यूज़ जब हम कर लेते हैं उस चीज़ का, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तो मोबाइल की तरह हमारी बैटरी भी फ्यूज़ हो जाती है, हम भी स्लो हो जाते हैं. हम कहते हैं जी कुछ करने को दिल नहीं करता, डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी स्ट्रेस हो गया है, या बीमारी हो गई है, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. तो असल में वो क्या है? नफ़रत ही असल बीमारी है. और उसका इलाज क्या है? बेगर्ज़ प्यार, अनकंडीशनल लव, जो हम सबको चाहिए. तो जब हम अपने क्रिएटर के पास वापस जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अब मेरे से गलती हो गई है, मुझे ठीक कर दो, तो वो दोबारा से हमें कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर देता है. वो दोबारा से जब हम शर्मिंदा होते हैं ना, जब सॉरी करते हैं, तो वो दोबारा से हमें ज़ीरो पे कर देता है और हमारी फिर से सारा मैकेनिज़म और हमारे काम शाम जो है वो ठीक हो जाते हैं. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई बच्चे, मुझे नहीं पता था SOS का मतलब क्या है, तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि इसका मतलब है सेव आर सोल. तो असल में जब बीमारी स्टार्ट होती है तो हमारा सोल जो है वो कमज़ोर हो जाता है. ऐसे होता है ना, वायरसेस जो हैं वो किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ ही आके यहाँ वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा मैकेनिज्म जो है, हमारा सोल जो है वो कमज़ोर हो जाता है. पहले हमारी रूह कमज़ोर होती है, उसके बाद उसका असर जो है वो हमारे बॉडी पर आने लग जाता है. तो एक सोल को ही सेव करने का या सोल को स्ट्रेंथन करने का तरीका ये है कि आप उस कंपनी का जो मालिक है उसके पास चले जाएँ, उसके आप सरेंडर कर दें, आप सबमिटेड रहें. एक मोबाइल जो है वो सबमिट हुआ है ना अपने मालिक के आगे, वो जैसे चाहे वो उसको चलाता है, वो जैसे चाहे उसको जो है वो यूज़ कर सकता है. ये हमारे पास होता है, हम जो बटन दबाएंगे वैसे ही हो जाएगा. ठीक है ना, तो हम भी अगर सबमिटेड रहते हैं, सरेंडर्ड रहते हैं. आप में से माशाल्लाह बहुत सारे जो हैं वो कुछ तो माएँ हैं और कुछ जो हैं मुझे बताई थी बाजियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, और कुछ जो हैं वो अभी स्टूडेंट्स हैं. आप लोगों ने डॉक्टर्स बनना है, फ्यूचर के इंजीनियर्स, पेंटर्स, सिंगर्स, बहुत बहुत कुछ आरजेस बनना है ना. तो उसमें आपने अपने सोल को कैसे जो है वो स्ट्रेंथन करना है, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी के ऊपर रहना है, बेगर्ज प्यार करना है. ठीक है, जैसे एक शहद की मक्खी होती है ना, उसके थूक में ही शिफा है. तो हम जो हैं, हम तो बेस्ट क्रिएशन हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमने अपने आप को तो पहचाना ही नहीं. क्या हमारी प्रेजेंस, हमारा कहीं पे होना ही खैर क्यों ना हो? ठीक है, हमारे मुंह से जो बात निकल रही है वही खैर क्यों ना हो? ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है. आप डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब ने इंसान बनना है. ठीक है, सबसे प्यार करना है. तो हम आज ऐसा करते हैं कि अपनी जो कंपनी है ना उसके पास चले जाते हैं. ठीक है, और उसको कहते हैं हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करते हैं, हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए सॉरी करके एटलीस्ट अपने साथ सच बोलें. ठीक है, दूसरों को धोखा देना या दूसरों को, हम जो भी सारा कुछ ही करते रहते हैं ना अपनी लाइफ में, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते. तो हमने नफ़रत भी की होती है, हम हर्ट भी हुए होते हैं, और हमारे अंदर गिले शिकवे भी होते हैं, शिकायतें भी होती हैं. हम मज़लूम नहीं होते हर वक्त, हमने भी बहुत कुछ किया होता है तो फंसे होते हैं ना, लेकिन हम वो मान नहीं रहे होते. तो आज हम अपने साथ सच बोलेंगे, अपने अंदर जाएंगे, सबको जो है वो माफ़ करके. ठीक है, और उसके बाद अगर हमसे भी कोई गलती हो गई है तो अपने अंदर ही शर्मिंदा होंगे. किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है. आज अपने आप से बात करेंगे. ठीक है, अपने आप से मिलेंगे. यही आज हम देखेंगे कि मैं कौन. ठीक है, तो मैं जैसे कहती हूँ आपने वैसे करना है अपने दिल में. ठीक है, आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, और जब तक मैं नहीं कहती अपनी आंखें नहीं खोल. आज अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप से प्यार करें. आज थोड़ा सा वक्त हम अपने साथ गुजारते हैं. ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लें. सब अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, या अपनी सांसों पे ही गौर कर लें. अगर कुछ बेटा जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करो, जिसने नहीं करना वो ना एक्सपीरियंस करे. सिंपल, अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है, तो दिल को साफ करें.
साफ करने का मतलब ये है कि जिस जिस शख्स ने आपका दिल दुखाया है, ज्यादती की है, हर्ट की है, उन सब लोगों को अल्लाह की खातिर माफ कर दो। अब जब अपने क्रिएटर के आगे जाना है, मालिक के आगे जाना है, तो कोई ना कोई तोहफा तो देना है ना उसको, तो उसको उसकी मखलूक की माफी दे देते हैं। जिसने दिल दुखाया है उसको माफ करके अपनी कोई एक गलती याद कर लो जिस पे अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं, और उस पे शर्मिंदा हो जाओ। अब जितना भी प्यार आपके दिल में है, जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है, अगर अपने आप से प्यार है ना, और आप चाहते हो कि कोई आपको शदीद प्यार से बुलाए, इतने शदीद प्यार से दिल में 3 दफ़ा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुबान से नहीं कहना, दिल से कहना है और बहुत प्यार से कहना है। खोल दो आंखें। कैसा फील किया या ये दुआ कैसी लगी? फील क्या आया? सुकून किसी को मिला या आंखों में आंसू आ गए? हार्ट बीट किसकी तेज हुई? किसी की हुई? रोना किसको आ रहा है? तो कहते हैं कि कोई भी इबादत करते हुए अगर आंखें गीली हो जाएं, हार्ट बीट तेज हो जाए या खौफ आ जाए, तो ये अल्लाह के करीब तरीन होने की निशानी होती है, और उस वक्त की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। दुआ जो है वो एक एहसास का नाम है, एक जज्बे का नाम है। अपने आप को ही पहचानना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, यही दुआ है। जब भी आपके दिल में नफरत आ जाए, कीना आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो दोबारा से कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चले जाओ। शर्मिंदा होकर अपने दिल में ये थेरेपी कर लिया करो। ये दुआ जो है वो पानी के साथ करते हैं। आधा ग्लास पानी हाथ में लेके, आंखें बंद करके, सबको माफ़ करके, बहुत प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह कह के पानी पी लेना है। और अगर कोई मसला है, कोई बीमारी है आपको, या किसी को भी, जैसे डिप्रेशन ही हो जाता है ना, तो उसके लिए सूरह रहमान सुनते हैं कारी बासित की आवाज़ में। वो भी इसी तरह ही 7 दिन सुननी होती है, आंखें बंद करके और सूरह रहमान सुननी है, और फिर 3 दफ़ा अल्लाह कह के बंद आंखों से पानी पी लेना। ये 7 दिन लगातार करने से विद इन 7 डेज, मैं 6 साल से ये आगे बता रही हूँ, इससे मेरे ही बताने से कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस और बहुत सारी बीमारियाँ, डिप्रेशन, मैं खुद डिप्रेशन की मरीज थी और मुझे इसी से ही जो है वो शिफा मिली है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू। और इसका थैंक यू जो है वो यही है कि आप इसको आगे लोगों से शेयर करें। अगर